हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास वर्मा। आई एम ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, रिसेंटली काफी नोटिफिकेशन एमसीए की तरफ से कंटिन्यूअसली आए हैं। 29 अगस्त 2022 को 3 नोटिफिकेशन आए हैं, और वो नोटिफिकेशन किस रिस्पेक्ट में है? जो वर्जन 3 लॉन्च हो रहा है, वर्जन 3 के लिए जो 9 फॉर्म्स जो थे, सबसे पहले इनिशियली जो 9 फॉर्म्स रोल आउट हुए हैं, उनके रिस्पेक्ट में ये 3 नोटिफिकेशन आए हैं। और जो सबसे पहला नोटिफिकेशन चार्जेस का है, देन डिपॉजिट्स, देन केवाईसी। तो फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन है, उन नोटिफिकेशन में जो वेब बेस्ड फॉर्म है, लाइक फॉर्म केवाईसी, लाइक चार्जेस फॉर्म, लाइक DPT3, DPT3 फॉर्म, वो किस तरह से वेब बेस्ड फॉर्म का फॉर्मेट रहता है और उसका स्पेसिमेन जो है वो आपके साथ शेयर किया है। तो एक बार वो जो जरा नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन को ओपन करके देखते हैं कि उस पर क्या इन्फॉर्मेशन जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्म विच वर इन द वर्जन 2। ओके, तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन है, ये 29 अगस्त 2022 को आया है, एंड दीज रूल्स में बी कॉल्ड द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स 3rd Amendment Rules 2022। और ये जो नोटिफिकेशन है, दे शेल कैम इन टू फोर्स ऑन द डेट ऑफ द पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट इन द कंपनीज रूल्स ऑन 14 इन द एनेक्सर फॉर ई फॉर्म DIR3 KYC एंड वेब फॉर्म DIR3 KYC वेब। The following form shall be respectively substituted। यहाँ पे जो है चेंजेस नहीं है, बट जो फॉर्म सब्सटीट्यूट हुए हैं वेब बेस्ड फॉर्म में, उसका एक स्पेसिमेन आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पे फॉर्म DIR3 KYC फॉर्म है, जो कि हम जनरली क्या करते थे, एमसीए की साइट पे जाते थे और वहां से डाउनलोड करते थे, देन फिल करते थे, देन अपलोड करते थे। लेकिन अभी वेब बेस्ड होने के कारण ये जो फॉर्म है, ये आपको डायरेक्ट एमसीए की साइट पे मिल जाएगा After login into B3। यहाँ पे DIR3 KYC के ऊपर यहाँ एक इम्पोर्टेंट एक रिमार्क है। वो रिमार्क क्या है उसको देखते हैं जरा। इन केस ऑफ इंडियन नेशनल्स, इनकम टैक्स पैन इज मैंडेटरी इन ऑल केसेस, इवन इफ देर इज नो चेंजेस इन इनकम टैक्स पैन। इन सच केसेस डायरेक्टर्स डिटेल शुड बी एज पर द इनकम टैक्स पैन। फ्रेंड्स, अगर इंडियन नेशनल है कोई भी डायरेक्टर, तो उसका पैन कार्ड जो है वो अटैच करना मैंडेटरी तो है ही, लेकिन आपकी जो पैन कार्ड से इंफॉर्मेशन जो है वो मैच होनी चाहिए फॉर्म से। इन केस द डिटेल्स एज पर द इनकम टैक्स पैन आर इनकरेक्ट, डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड पार्टनर इज एडवाइज टू फर्स्ट करेक्ट द डिटेल्स इन द इनकम टैक्स पैन। अगर आपकी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका इनकम टैक्स पैन जो है उसको आपको अपडेट करवाना होगा, चेंज करवाना होगा, ऑल्टर करवाना होगा, उसके बाद में आप KYC में अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्म जो जनरली था उस तरीके से ही फॉर्म है। यहाँ पे डिन इंसर्ट करना है नेम, डायरेक्टर्स नेम, फादर्स नेम, और ये जो बेसिक पॉइंट्स है जो कि ऑलरेडी V2 वर्जन में जो फॉर्म था, सेम पॉइंट्स है। एंड डू यू हैव वैलिड पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट है तो यस, वरना नो सेलेक्ट करना है। यहाँ मोबाइल नंबर, देन OTP, एंड यहाँ परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, देन परमानेंट प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, तो यस आप सेलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली नीचे भी प्रीफिल हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे जो मैंडेटरी स्टार मार्क है, प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, कॉपी ऑफ आधार कार्ड जो है वो अटैच करना है, कॉपी ऑफ पासपोर्ट इफ द डायरेक्टर और डेजिग्नेटर पार्टनर इज होल्डिंग एनी पासपोर्ट, देन यहाँ पे अटैच करना है, एंड देन प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, एंड देन वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द प्रोफेशनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फॉर्म्स हैं, ये KYC फॉर्म जो है, वहाँ डायरेक्टर के सर्टिफिकेशन के बाद में या डायरेक्टर के साइन के बाद में प्रोफेशनल का सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन होल टाइम प्रैक्टिस, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिस। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपको एक रिमार्क दिया स्टार्टिंग में, एक पॉइंट दिया है जो आपको मेक श्योर करना है कि जो पैन से इंफॉर्मेशन है वो आपकी फॉर्म में मैच होनी चाहिए। एंड उसके साथ साथ जो KYC वेब फॉर्म है उसको भी जरा देख लेते हैं। वेरीफाई डिटेल्स, KYC डिटेल, जो ऑलरेडी फॉर्म फाइल्ड है, जो DIR3 KYC हम फाइल करते हैं एवरी ईयर, तो फर्स्ट KYC फॉर्म जब हम फाइल करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट ईयर से वो KYC वेब एप्लीकेबल हो जाता है। KYC वेब में आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने ऑलरेडी जो सबमिट कर रखी है, अगर वो इन्फॉर्मेशन सेम है, इफ देर इज नॉट एनी चेंजेस इन द इन्फॉर्मेशन यू हैड सबमिटेड लास्ट ईयर फॉर द KYC, इफ देर इज नॉट एनी चेंजेस, तो आपको KYC वेब फॉर्म फाइल करना है। अगर कुछ चेंजेस है, फॉर एग्जाम्पल एड्रेस चेंज हो चुका, या पैन में कुछ चेंजेस हुए हैं, करेक्शंस करवाए हैं, या पासपोर्ट रिन्यू करवाया है तो नया पासपोर्ट आ चुका है,
इस तरह से कुछ भी, या फिर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर में काफी प्रॉब्लम है, तो अगर अपडेट करना है तो वो आपको उसके लिए केवाईसी वेब फॉर्म नहीं फाइल करना, उसके लिए आपको नॉर्मल केवाईसी फॉर्म फाइल करना है। अगर इंफॉर्मेशन कुछ भी चेंज नहीं है, सेम इंफॉर्मेशन है, तो आपको केवाईसी वेब फाइल करना है। यहाँ पे डिन नंबर ऑफ डायरेक्टर, देन पर्सनल मोबाइल नंबर, पर्सनल ईमेल आईडी, एंड इस पे ओटीपी जाएगा, देन यू हैव वेरीफाई। और ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन है यूजर डिटेल्स में, 3 से लेके जितने भी पॉइंट्स है 16 तक, वो प्रीफिल हो जाएगी, और यहाँ पे आई एक्सेप्ट करके अपने को प्रोसीड करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सर्टिफिकेशन का पॉइंट नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल सेव करके प्रोसीड करना है। तो फ्रेंड्स ये जो नोटिफिकेशन है, जो 29 अगस्त को 3 नोटिफिकेशन आए हैं, उस नोटिफिकेशन के लिए एक तो चार्ज का नोटिफिकेशन है, एक DPT 3 और DPT 3-4 का है, देन KYC का है। KYC का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर किया है कि KYC किस तरह से आपको फाइल करनी है, और अभी भी एज ऑन डेट अगर देखें तो 31 मार्च 2022 फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में 30 सितंबर 2022 इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग द KYC। तो आज से आपको पूरा पूरा 1 महीने का टाइम मिलता है, 30 डेज में आप अपनी KYC कंप्लीट कीजिए। अगर KYC आपकी कंप्लीट नहीं होती है विद इन द टाइम फ्रेम, तो पेनल्टी उसकी जो है दैट इज 5,000 रुपीज पर डायरेक्टर, पर डिन नंबर। तो आप एक दिन को डीएक्टिवेट अगर हो जाता है और उसको एक्टिवेट करवाते हो 1 अक्टूबर को आफ्टर दी 30 सितंबर, तो उसकी 5,000 की पेनल्टी है। और अगर आज आज की डेट पे आप करते हो विद इन दी टाइम फ्रेम, तो आपकी कोई पेनल्टी नहीं है, इनफैक्ट उसकी कोई फीस भी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो डायरेक्टर्स KYC जो था उसके लिए एक नोटिफिकेशन था, जिसका जिसका आपके साथ डिस्कशन करना मैंडेटरी था, बिकॉज काफी सारे उसमें चेंजेस आए हैं वेब बेस में। और फ्रेंड्स इसी तरह से चार्जेस एंड डिपॉजिट्स के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर एक राइटअप बनाएं, राइटअप के साथ हम वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करें। तो इस तरह के वीडियो जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए हम रिकॉर्ड करते रहते हैं, दैट इज मीनिंगफुल फॉर द स्टेक होल्डर्स ऑल्सो। तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोज फ्रूटफुल है, तो आप हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और आप हमारे जो कमेंट्स हैं, हमारे सॉरी जो कमेंट बॉक्स में हैं, आप कुछ भी क्वेरीज रेज करते हो तो उसका रिप्लाई भी हम आपको विद इन टाइम फ्रेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।